नमस्कार, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोदक। जैसे कि अब गणेश चतुर्थी शुरू हो चुकी है, तो गणेश चतुर्थी के बाद से 11 दिन तक गणेश जी हमारे घर में विराजमान रहते हैं। हम उनको गणेश चतुर्थी वाले दिन आमंत्रित करते हैं और अपने घर में कई लोग 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कई लोग 11 दिन के लिए अपने घर में उनको विराजते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और उनका जो मेन जो प्रसाद रहता है मोदक ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक। और मोदक वैसे तो हम कई तरीके से बनते हैं, आटे के भी मोदक बनते हैं, चावल का जो आटा होता है उसके भी मोदक बनते हैं, सूजी के भी मोदक बनते हैं, और जो मिल्क में भी हम बनाते हैं, और जो हम पनीर है उसका में भी हम इसको मोदक बनाते हैं। तो कई तरीके से बनते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तो मिल्क में बनाऊंगी, मिल्क और ड्राई मिल्क के साथ। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले ये मिल्क लिया है मैंने, ये 750 ml है, और ये गुड़ लिया है, ड्राई मिल्क है, ड्राई मिल्क पाउडर है ये। और फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें मैंने काजू, बादाम और अखरोट लिए हैं। इनको पहले मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था 4-5 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें मॉइस्चर हो वो निकल जाए और ये थोड़ा इसमें क्रिस्पी हो जाए। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने इलायची पाउडर भी लिया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। और ये देसी घी लिया है मैंने, और ये मैंने कलर के लिए केसर का इस्तेमाल किया है। दूध में मैंने ये कुछ पंखुड़ी इसकी केसर की डाल दी थी और ये इसमें कलर आ गया। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रेश नारियल लिया है मैंने। और फ्रेंड्स, इसका मैंने बाहर का जो ब्राउन छिलका होता है उसको मैंने बारीक बारीक निकाल दिया था, उसके बाद फिर मैंने इसको ग्रेट किया है। और इस तरीके से सारा सामान हो गया। और आइए अब हम शुरू करते हैं मोदक बनाना। गैस मैंने ऑन कर दी है और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डालना है, ये इतना मैंने देसी घी डाला है इसमें। और अब इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे। अब इसको हम कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे और इसको हम थोड़ी देर तक उबाल आने के बाद अच्छे से थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए और थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया। और फ्रेंड्स, जब आप ये दूध बनाएं तो इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड करें, नहीं तो आपको बहुत पतला हो जाएगा, तो पानी ना ऐड करें, ऐसे ही रखना है। अब ये हो गया, अब इसमें हम ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। और देखिए, इसको हम अच्छे से हिलाएं और स्लो कर देंगे। अब हम इसको फ्लेम को हाई नहीं रखना, अब इसको हम स्लो में पकाएंगे अच्छे से, और इसको हम हिलाएंगे ताकि इसमें जो ये लम्स हैं ये ना रहें, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, और धीरे धीरे इसके लम्स भी खत्म हो जाएंगे। और इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब ये ऐसा हो गया और ये अब हमारा ये तैयार है। इसको भी हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी ये चाहिए और लड्डू बन जाए, क्योंकि जब हम ठंडा करेंगे ये थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा, क्योंकि ड्राई हो जाता है ठंडा करने के बाद। तो आइए अब जब तक हम ये ठंडा होगा और इसको हम फिर स्टफिंग तैयार करेंगे हम, जो हमने मोदक में भरनी है। और इसके लिए हमें, अभी मैंने गैस हाई फ्लेम में रखी है और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, घी डाल दिया हमने। और इसमें अब हम ये नारियल जो मैंने ये ग्रेट करके रखा हुआ था ये डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर अच्छी तरह से हिलाएंगे, ताकि इसका जो इसमें है गीलापन है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और इस तरीके से अब इसमें हम
गुड़ ऐड करेंगे। और ये फ्लेम हमने बिल्कुल लो ही रखनी है, हाई नहीं करना है। और मीठा फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए अभी धीरे धीरे इसमें अपने आप ये मेल्ट हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो। ये देखिए अभी गुड़ अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। और ये देखिए अभी गुड़ ने जो ये पानी छोड़ा है, धीरे धीरे ये भी ड्राई हो जाएगा। और तब तक हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। ये देखिए ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही डाला है मैंने। और इसमें अब ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे हम, ये भी इसके साथ साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और इसका भी हम 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम में ही पकाएंगे। ये फ्रेंड्स देखिए अभी हमारी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से बन गई है और अच्छे से मिक्स हो गई है। तब इसको भी हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। इससे प्रेस करना है और इसको ये देखिए इससे और ये ऐसे करके ये अच्छा थोड़े बहुत इसमें जैसे जो दाने आ जाते हैं ड्राई मिल्क के, तो वो भी स्मूथ हो जाएंगे। ये देखिए ठीक है। अब इसमें हमने केसर नहीं मिलाया था, तो हम इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे कलर देने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप फूड कलर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया, आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये केसर डाल के बहुत ही अच्छा इसमें रंग आ जाता है देखिए। और इसमें हम थोड़ा सा जो है घी का हाथ लगाएंगे, देसी घी का। अगर आपने देसी घी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड का यूज ना करें, क्योंकि अब हमने इसको पकाना तो है नहीं, ऐसे ही खाना है, तो फिर उसमें रिफाइंड की स्मेल आएगी। अब शुरू करते हैं मोदक बनाना। ये बनाने से पहले हाथ में हम थोड़ा सा घी या पानी का लगा सकते हैं, जैसे मैं देसी घी लगा रही हूँ, और पानी भी लगा सकते हैं हाथ में ताकि ये चिपके ना। और ये देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके रखेंगे ये देखिए। और इसमें हम ये जो स्टफिंग बनाई थी ये बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही टेस्टी भी है, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये देखिए। इसको हम अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये देखिए, ऐसे करके ये, और इसको ऐसे ऐसे करके हम ले जाएंगे ये देखिए। अब इसको हम कांटे की सहायता से इसको हम ऐसे शेप देंगे, बिना मोल्ड के बना रही हूँ मैं, और ये भी बहुत अच्छे बनते हैं ये देखिए। ये देखिए अब इसी तरीके से मैं एक और आपको ही बना के दिखाती हूँ। हल्का सा घी का हाथ लगाएंगे, और ये केसर डाल के इसमें फ्रेंड्स कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है ये देखिए। इसको हम ऐसे करके भरेंगे ये देखिए। इसको हम फोल्ड करेंगे, ये ऐसे करके लेना है, जैसे हम जो पराठा बनाते हैं उसको फोल्ड करते हैं जब स्टफिंग भरने के बाद, तो सेम वही प्रोसेस है ये देखिए। अब इसको हम हल्का हल्का ऐसे शेप दे देंगे हाथ से, धीरे धीरे से करके देखिए। ये मोदक हमारे फर्स्ट क्लास मोदक हो गया। अब इसको कांटे की सहायता से फिर इसको हम शेप देंगे ये देखिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम सारे मोदक बना लेंगे। फ्रेंड्स अब ये हमारे मोदक बनकर तैयार हैं, और ये देखिए हाथ से ही बनाए हैं और कितनी अच्छी शेप बन गई है। और ये मैंने जो केसर की जो पंखुड़ी बची थी वो मैंने सभी में लगा दी है ऐसे करके, उससे बहुत ही ये सुंदर लग रहे हैं मोदक। और फ्रेंड्स ये जो मिल्क के जो मोदक होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं,
तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर में ये थोड़ा सा और मतलब मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो आप इसको फ्रिज में ही रखें। और जैसे हम जो आटे के, सूजी के या चावल के आटे के बनाते हैं, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में भी सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस मोदक को घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और गणेश जी को अर्पित करें। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।